सरकारों ने जो किया तो एक बात हमेशा रहा इस शहर के साथ कि ये हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है ये इलाका, ये तो एक सबसे बड़ी बात थी। उसके अंदर जाके नीतीश कुमार जी ने अपने पीरियड काम इतना जरूर किया कि लोग सड़क पर चल सके। रही बात कि नौकरी वगैरह की जो भी बात होती है वहां पर जो है काफी ज्यादा कम मात्रा में हुआ है, चूंकि यहाँ पर कहे ना बोले फड़किया का मतलब हो जाता है कि अलग ही है, तो उसमें उन लोगों ने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया और उसी काम के आधार पर आज आपको ये दिख रहा है। तो बहुत जोर वो ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन इतना बात तो तय है। अरे काम बोलता है, काम तो बोलता है, लेकिन सवाल ये 17 साल नीतीश कुमार रहे, अगर ये काम बोल रहा है तो मुझे तो लगता है कि किसी और कोई होना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, अगर मैं खगड़िया का निवासी होता तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, लेकिन सवाल उठता है कि लोग में अगर कुछ इस बात को लेके आपस में कुछ हो तब ना, कि नहीं भाई चलिए एक अच्छा निर्माण करेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जो भी हुआ तो नीतीश जी ने ही किया और इन लोगों के बीच में जानबे करते हैं कि पार्टी रहे, पॉलिटिक्स रहे, इधर चले गए उधर चले गए, सब तो पार्ट ऑफ दी ये है। तो सीधे से बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी किया उन्होंने किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्या शुभ नाम है सर आपका? नीरज यादव नाम हुआ। नीतीश कुमार ने 17 साल में जब जब तेजस्वी जी नहीं उनके साथ रहे कुछ नहीं किया। 17 साल जो रहे, 17 महीना जो रहे, इसमें क्या किए नीतीश कुमार? क्योंकि सरकार आरजेडी के समर्थन से बिना उनके सोच से बना। तेजस्वी यादव ने क्या बोला था कि पहले जो मेरा मैनिफेस्टो है उसको आपको लागू करना पड़ेगा, तब आपको हम सरकार माने देंगे। तो क्या था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देना है, बोला ठीक है, नीतीश कुमार ने बोला ठीक है, इस पे हम एग्री है। तो क्या हुआ, 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 4.5 लाख जो है जो नियोजित शिक्षक थे उसको राजकर्मी का दर्जा दिया, 12,000 दरोगा को बनाया, 10,000 क्लर्क को बनाया और 1 लाख नर्स का जो बहाली का ब्लूप्रिंट तैयार कर करके तेजस्वी यादव जब लोकप्रियता के शिखर पर थे तो चाचा पलट गए। तो चाचा जब पलट गए तो आधा अधूरा रह गया। तो इस बार जो है बिहार की जो मान लीजिए लोकसभा का जो आप हिसाब किताब देख रहे हैं खगड़िया लोकसभा का, तो देखिए यहां पर फाइट जबरदस्त रहता था, एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन में फाइट जबरदस्त रहता था, लेकिन टिकट बेचवा पार्टी ने क्या किया कि टिकट को बेच दिया। जो बात आप 5 सवाल पूछेगा हम एक जवाब आपको दे देते हैं। टिकट बेचवा पार्टी ने क्या किया, टिकट को बेच दिया। तो मातृभूमि को बेचने के कारण चिराग पासवान से बहुत यहाँ पर रोष व्यक्त है और उनको सबक सिखाने के, उनके घमंड को तोड़ने के लिए यहाँ एकजुट है लोग, समझ गए, एकजुट है लोग। और उनका कैंडिडेट बाहरी है, यहाँ पर जो दूसरा कैंडिडेट है वो गरीब परिवार से आता है, पैदल अपना हाथ जोड़ रहा है और किसी तरह का कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। होता था कंपटीशन, लेकिन कैंडिडेट चूंकि टिकट खरीद के लाया है और उन्होंने टिकट को बेचा है, इससे बहुत लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। और जिसके कारण खगड़िया को बचाने के लिए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, खगड़िया को बचाने के लिए तमाम पार्टी के बड़े बड़े राजनीतिक, यहां से खगड़िया से लेकर बिहार तक का टोटल राजनीतिक एक हो गया खगड़िया को बचाने। जब तक खगड़िया बचेगा नहीं तब तक बाहरी आते रहेगा। इसको बचाने के लिए सारे लोग एकजुट हैं और संजय सिंह कुशवाहा फाइनली आपको बहुत ज्यादा बढ़त ले चुके हैं। और दूसरा, पिछले सांसद कौन सी पार्टी से थे? देखिए पिछला सांसद थे लोजपा से गणित भी आपको बता दे तो। नहीं वो भी तो बाहरी थे ना? नहीं, सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया लोकसभा में आता था, सहरसा के है ना, खगड़िया लोकसभा में आता है वो भी तो लोग बाहरी। नहीं नहीं नहीं, सिमरी बख्तियारपुर का जो विधानसभा है ना वो खगड़िया में पड़ता है और खगड़िया लोकसभा के अंदर जैसे हसनपुर आता है वैसे सिमरी बख्तियारपुर आता है। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, अमृत भारत स्टेशन के हिसाब से 440 करोड़ रुपया लाए, अभी स्टेशन बन रहा है, इधर जो है आपका फनगो हॉल के तरफ रोड बन रहा है, जो है एसएच होता है वो बन रहा है, उसमें 600 करोड़ रुपया लाए है ना। इस रोड का जो है सारा टेंडर, बहुत सारा गतिविधि था स्टेशन रोड का जो अभी तक है वो सारा चीज करवा। तो मोर और लेस महबूब अली कैसर वो किए। जो जातीय समीकरण के हिसाब से बिहार का जो चुनाव होता है, पिछला 2 चुनाव से मुस्लिम वोट नहीं पड़ता था महागठबंधन को, क्योंकि महबूब अली कैसर आ जाते थे टोटल मुस्लिम वोट उधर चला जाता था।
कुशवाहा हमको 20 साल से वोट नहीं दे रहा है, महागठबंधन को 20 साल से वोट नहीं दे रहा है। इस बार जो कुशवाहा कैंडिडेट ही है और तेजस्वी यादव ने 9 से 10 कुशवाहा को लड़ा कर करके काम होना हो पूरा जाति समीकरण फिट किया है, एकदम फिट किया है, एकदम समझ गए, इसीलिए हाल है बख्तियारपुर का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।